इंदौर के पर्यावरणविद और गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर एस एल गर्ग को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार दिया गया है। एक्सपो टुडे ने करीब एक साल पहले हरियाली का जुनून पथरीली पहाड़ी पर लहला दिए 25,000 पौधे शीर्षक से इस स्टोरी का खुलासा किया था। प्रोफेसर गर्ग द्वारा वीरान और पथरीले पर्वत पर 30,000 से ज्यादा पौधे रोपकर उसे हरा भरा बनाकर केसर पर्वत नाम दिया है। देखिए वीडियो। काम को करने का अगर जुनून हो तो मुसीबतें भी अवसर में तब्दील हो जाती हैं। कुछ सालों पहले तक महू के पास बनी एक पहाड़ी जिसे निर्जन कहा जाता था, पथरीली कहा जाता था, आज वहां 25,000 पौधे लहला रहे हैं। यह है महू के पास बना केसर पर्वत। केसर पर्वत की हरियाली का राज भी जान लीजिए। इंदौर के ख्यात शिक्षाविद होलकर साइंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर एस एल गर्ग ने इस पहाड़ी को हरियाली से आच्छादित कर दिया है। 2.5 साल पहले जब डॉक्टर गर्ग यहाँ पर आए थे तो यह पहाड़ी बिल्कुल वीरान थी। डॉक्टर गर्ग ने फैसला लिया कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें प्रकृति को कुछ तो लौटाना चाहिए। फिर इस पथरीली पहाड़ी पर पौधारोपण की शुरुआत की। यहाँ पर नक्षत्र गार्डन विकसित किया जिसमें 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कई औषधीय पौधे लगाए हैं जो कि इंदौर या मध्य प्रदेश या देश में मिलना भी मुश्किल है। इसके साथ ही यहाँ पर कई और ऐसी अन्य प्रजातियों के पौधे लगे हैं जो कि प्रकृति की नियामत ही कहे जा सकते हैं। कुछ करने का मन में जज्बा हो तो मुसीबतें भी अवसर में बदल जाती हैं। इस वक्त हम महू के नजदीक केसर पहाड़ पर हैं। हरियाली से आच्छादित ये पहाड़ आज से 2.5 साल पहले एक वीरान और पथरीली पहाड़ी के रूप में जाना जाता था, लेकिन इंदौर के ख्यात प्रोफेसर और पर्यावरणविद डॉक्टर एस एल गर्ग ने इस पहाड़ को अपने पसीने से सींच कर आज यहाँ 25,000 पौधे लगाए हैं। इसमें कई औषधीय पौधे हैं, कई जो है प्रकृति की ऐसी नियामतें हैं, ऐसे पौधे हैं जो कि विलक्षण हैं, जिन्हें देखा जो कि अब मिलना मुश्किल है। सर अब बताइए कि क्या है। ये विडारा पौधा है, क्रीपर है और गणेश जी का सबसे खास पौधा माना जाता है। तो इसकी जड़ भी यदि आप पेड़ अपने जेब में रखें तो शुभ फल देती है। लोग ऐसा भी कहते हैं सिर्फ पत्ती भी रख ली तो शुभ फल देती। तो एक विलक्षण पौधा है, उसके पत्ते देखिए इसके पीछे। तो ये गणेश जी के नाम के दो पौधे हैं और गणेश जी को यूँ श्वेता फूल सफ़ेद बहुत पसंद है, वो भी हमने लगा रखा है। ये ओलिव ट्री है और ओलिव ट्री है जो स्पेन और इटली में सबसे ज़्यादा उगता है। और आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सेवन इसी का होता है। ओलिव का जो बोर टाइप फल आता है वो भी खूब खाया जाता है। अभी हमारे यहाँ भी ये पिज्ज़ा वगैरह का चलन हो गया है तो ओलिव का खूब चलन हो गया है। ये एवोकेडो नाम का पौधा है जो फॉरेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका जो फल होता है वो सब अच्छी बड़ी होटलों में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का काम करता है। बटर से लेकर सब चीज़ों में एवोकेडो यूज़ होता है और बहुत ही प्रचलित है। हमने भी पहले सोचा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 5 पौधे लगाए तो उसमें से 2 अच्छे से चल रहे हैं, मतलब ये भी हमारे यहाँ चल जाएगा। ये भी विलक्षण प्रजाति का पौधा है। तो अगले वर्ष जब आप आएंगे तो 50-100 पौधे इसके भी दिखेंगे। ये ड्रैगन लगा है, ड्रैगन की क्या खासियत है? ये कैक्टस सरीका दिखता है तो जो भी हमारे यहाँ आता है उसको लगता है कि हमने कैक्टस लगा रखा है, जबकि ये कैक्टस नहीं है। यह ड्रैगन फ्रूट का पौधा है और थाईलैंड वगैरह में खूब बिकता है, थाईलैंड का ही मेन प्रोडक्ट है। और जब इसका एक फ्रूट जुलाई में आता है, जुलाई से दिसंबर के बीच में, तो इसका महंगा फ्रूट इतना है कि एक फ्रूट कम से कम 300 रुपये में बिकेगा। फ्रूट भी कांटेदार होता है किंतु अंदर जो होता है उसका गुदा वो बहुत ही गुणकारक होता है। यहाँ पे बड़ी पैमाने पे करेला लगाया गया, उसका क्या कारण है? करेले की 1, 2, 3, 4 पूरी मैंने प्रोफेसर होने के नाते, रसायन शास्त्र के और पर्यावरण के नाते विश्व के कई देशों का भ्रमण किया। 2015 में मैं कोरिया गया था, साउथ कोरिया। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस के वहाँ मैंने देखा कि करेले
कि ऐसी बागड़ आधा आधा किलोमीटर की लगी हुई थी और खूब करेले थे नीचे। तो करेला कोरिया में देख के मुझे ऐसे ही आश्चर्य हुआ, तो मैंने वहाँ पूछा कि करेला आप कहाँ कैसे आया। बोले इंडिया से आया। तो मैंने कहा इसका क्या करते हैं आप? तो बोले हम इसके नीचे मेडिटेशन करते हैं। अरे वाह। और बोले डायबिटिक भगाते हैं। मतलब डायबिटिक भगाना हो तो करेले के पौधों के नीचे आप मतलब बागड़ के नीचे मेडिटेशन करो और करेले का जूस पी लो, तो डायबिटिक कंट्रोल में होना ही है। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से लगा कि मतलब हम इंडिया की चीज़ लेके वो वहाँ गए, हमने अभी तक इसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो कोरिया का जो मेरे दिमाग में था और उसी के अनुसार मैंने करेले खूब सारे लगाए। और हम भी यहाँ चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ आए करेले के नीचे मेडिटेशन करे और उसका जूस पिए। दहीमन के इस पौधे का धार्मिक महत्व क्या है? जितने भी जैन संत हैं वो दहीमन की लकड़ी का ही उपयोग करते हैं, चाहे उनका कमंडल हो, पादुका हो, या जो जिस पे वो सोते हैं वो भी इसी की बनी हुई होती है। और दहीमन का ये है कि दहीमन यदि आपने लगा लिया तो सांप इसके आसपास दूर दूर तक नहीं फटकेगा। तो ये भी प्रभाव होता है। आप देखते हैं कि जैन संत जंगलों में चले जाते हैं तो उनको ये इसीलिए जंगली वो पीछा नहीं करते, क्योंकि उनका जो बना हुआ है वो सब दहीमन का बना हुआ है। हमने डॉक्टर गर्ग से इस पहाड़ी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि पूरे पहाड़ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पूरे पहाड़ पर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम डेवलप किया गया। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम डेवलप करने के बाद गाँव से पानी खरीदा गया। उस खरीदे हुए पानी से एक एक पौधे की प्यास बुझाई जा रही है और देखते ही देखते 25,000 पौधे लहलहा रहे हैं। डॉक्टर गर्ग से एक्सपोज टुडे की विशेष बात। यहाँ पे नक्षत्र गार्डन है। इस पहाड़ को उन्होंने कैसे विकसित किया, आज हम उनसे जानेंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है। धन्यवाद। ये पर्वत बिल्कुल बंजर पर्वत था, जहाँ सदियों से कभी कोई पेड़ नहीं उगा, और हमने करीबन 10 साल पहले यह पहाड़ी खरीदी थी। ऑफकोर्स जब खरीदी थी तब यह था कि मैं जब 2015 में रिटायर होऊंगा तब कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किंतु रिटायर होने के बाद मुझे लगा कि उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय भगवान से मिलना ज़्यादा अच्छा है, प्रकृति से मिलना ज़्यादा अच्छा है, और हमने इसको सोचा कि इसमें पेड़ पौधे लगा जाए। तो सबसे पहले समस्या पानी की ही, क्योंकि यहाँ पे हमने 2-3 बोरिंग भी कराए, कोई पानी नहीं आया। 500-500 फुट 600 फुट के बोरिंग है। तो फिर सब लोगों ने कहा कि बोले साहब आप तो पढ़े लिखे बुद्धू हो, यहाँ कभी कोई पेड़ उगा ही नहीं, आप कोई पेड़ नहीं उगा सकते, वापस भेज दो जो भी। तो हमको और जीत चढ़ गई कि अब तो हम पेड़ पौधे उगा के रहेंगे। और पिछले 3 सालों से हमने प्रयत्न किए तो धीरे धीरे बढ़ते गए। 25,000 पौधे आज की तारीख तक हम लगा चुके हैं, और सभी तरह के पेड़ पौधे हैं। मतलब प्रकृति की देन है, प्रकृति की नियामत है, या यूँ कहते हैं कि माँ कभी कौन खाली नहीं देती। आप माँ हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। तो हमने जो पौधा लगाया वो लगा, मतलब हमारी डेथ रेट 10% ही होगी। तो करीबन हमने 3,000 सागवान लगा रखे हैं, 500 शीशम लगा रखा है, 500 पीपल लगा रखे हैं, 500 बड़ लगा रखे हैं, 1,000 नीम लगा रखे हैं, 500 आम हैं, 500 जाम हैं, कबीट है, फालसा है, सीताफल है, 500 आंवला होंगे। हमने पर्यावरणविद डॉक्टर एसएल गर्ग से बात की। उनकी मेहनत, उनका जज्बा, उसी जज्बे के कारण ये उजाड़ पहाड़ी आज 25,000 पौधों से लहलहा रही है। एक्सपोज टुडे के लिए मैं हिमांशु जोशी।